महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बात कर लेते हैं, जिनके शपथ ग्रहण के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को आयकर विभाग का नोटिस जारी कर दिया गया है। एनसीपी ने नोटिस पर सवाल उठाए हैं। इधर संजय राउत की आज ईडी में पेशी होनी है, तो ये दो अहम किरदार इस वक्त, एक को ईडी का नोटिस पहुंचा है, दूसरे को आयकर विभाग का नोटिस पहुंचा है, और ये दोनों को आज पेश होना है। संजय राउत की आज ईडी के सामने पेशी होनी है। वहीं चौल रीडेवलपमेंट मामले में धांधली के उन पर आरोप लगे थे, जिस मामले में उन्हें आज ईडी के सामने पेश होना है। शरद पवार को आयकर महकमे से कल नोटिस दिया गया था, जिसको लेकर सवाल विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार इन सभी नोटिस का टाइमिंग देखिए, जिस वक्त महाराष्ट्र में सरकार बन रही है उसी वक्त ईडी की तरफ से नोटिस, आयकर विभाग की तरफ से नोटिस। वहीं अनिल देशमुख पहले से ही एनसीपी के नेता जेल में है, अनिल परब, ईडी की जांच उन पर जारी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार की विदाई होते ही एनसीपी के लिए आफत के दिन शुरू हो गए हैं। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कुछ घंटों के भीतर इस खबर ने सबको चौंका दिया कि शरद पवार को चुनावी हलफनामों को लेकर आयकर विभाग ने नोटिस थमा दिया है। एक नहीं, पूरे चार चुनावों में उनके दिए हलफनामे जाँच के घेरे में है। खुद पवार ने इसका खुलासा किया। शरद पवार को 2004, 2009, 2014 और 2020 में दिए गए हलफनामों को लेकर ये नोटिस दिया गया है। हालांकि पवार ने इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी। 2004, 2009, 2014, 2020 सुदैवाने त्याची सगळी माहिती माझ्याकडे व्यवस्थित आहे, त्यामुळे काही मला ती माहिती द्यायला चिंता नाही। पण शरद पवार को आयकर विभाग के नोटिस पर एनसीपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने ट्वीट कर नोटिस की टाइमिंग पर सवाल उठाया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, महाराष्ट्र सरकार में बदलाव के बाद पार्टी अध्यक्ष शरद पवार को 2004, 2009, 2014 और 2020 के चुनावी हलफनामों के लिए आईटी नोटिस मिला है। क्या ये महज संयोग है या कुछ और? उधर एनसीपी के फायर ब्रांड नेता संजय राउत की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। अपने तीखे बयानों से चर्चित हुए शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत को आज प्रवर्तन निदेशालय में पेश होना है। ईडी ने राउत को पात्रा चौल जमीन घोटाला केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले राउत को पेशी से कुछ राहत मिल चुकी है, लेकिन आज वो ईडी में पेश होंगे। मैं एक लॉ मेकर हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे जिम्मेदारी मालूम है। मुझे मालूम है ये सब कौन कर रहा है, उनके पीछे कौन है और क्यों हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। और पवार साहब ने मुझे कहा, संजय तुम अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, तो मुझे डर नहीं है। ये पूरा विवाद मुंबई के गोरेगांव स्थित पात्रा चौल के किराएदारों के 672 फ्लैट को रीडेवलप करने में हुए कथित घोटाले का है। इससे पहले ईडी ने प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था। प्रवीण राउत को संजय राउत का करीबी माना जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रवीण राउत से जुड़ी करोड़ों की संपत्ति को भी हाल ही में कुर्क कर दिया था। ईडी ने 11 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। इसमें पालघर में प्रवीण राउत से जुड़ी संपत्ति करीब 9 करोड़ की है, जबकि 2 करोड़ की कीमत वाले दादर में फ्लैट और अलीबाग में प्लॉट के संजय राउत की पत्नी से जुड़े होने का आरोप है। इससे पहले प्रवीण राउत का नाम दिसंबर 2020 में पीएमसी बैंक स्कैम केस में जांच के दौरान आया था। जांच एजेंसी को पता चला था कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने 2010 में संजय राउत की पत्नी वर्षा को 55 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर दिया था, जिसका इस्तेमाल मुंबई के दादर में एक फ्लैट खरीदने में किया गया था। कुल मिलाकर एनसीपी के कई नेता अब जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। एनसीपी के दो बड़े नेता अनिल देशमुख और नवाब मलिक जेल में हैं। दोनों पर करप्शन के आरोप हैं। तीन और नेता सवालों के घेरे में हैं। खुद पार्टी अध्यक्ष शरद पवार को नोटिस मिला है। संजय राउत ईडी जांच के घेरे में है, जबकि अनिल परब के मामले की भी ईडी जांच कर रही है। 2019 में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने में शरद पवार की ही सबसे बड़ी भूमिका रही थी। उन्हीं की वजह से ये गठबंधन बन पाया था और शिवसेना ने सबको चौंकाते हुए बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब एनसीपी के नेता एक के बाद एक सवालों के घेरे में आ रहे हैं। मुनीश पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।